नमस्कार दोस्तों, रात्रि के 10 बज चुके हैं और आपकी डीएलएड की क्लास शुरू हो चुकी है। देखिए, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शामिल करेंगे जो कि है पूर्ण वर्ग विधि से समीकरणों के मूल निकालना। आपने गुणनखंड विधि देख लिया है, बहुत ही आसान था, गुणा करने पर कुछ आए और जोड़ने पर कुछ आए, है ना, ये सब देख लिया था ना। लेकिन अब हम लोग देखेंगे पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की विधि, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल करते हैं देखिएगा, गौर से देखिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, जो अचर पद है इसको बराबर के दूसरे साइड ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि ये 2x² प्लस 16x इक्वल हो जाएगा 18। पहला स्टेप ध्यान दीजिएगा, जिसमें x नहीं लगा उस पद को दूसरे साइड भेज देते हैं, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, कहें तो हम लिख दें। देखिए पहले क्या करते हैं, अचर पद हम आपको लिख देते हैं, सभी स्टेप आप लोग देख लीजिए। पहला स्टेप क्या है, अचर पद का पक्षांतर कर देंगे, जो कि हमने कर लिया, आप लोगों ने समझ लिया होगा, है ना। जो अचर पद था 18 उसको दूसरे साइड कर दिया। अब एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, एक्स स्क्वायर का गुणांक कहाँ है, ये भाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर है ना, जहां एक्स की घात 2 है, इसका गुणांक इसके पहले क्या है, 2 है, तो 2 गुणांक हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में इससे भाग करेंगे, मतलब हर एक पद में हम 2 से फिर क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, इसको हल कर लेते हैं, जो भी आ जाए कट पिट के, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस 8x इक्वल 9, इतना बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक्स के गुणांक से, यानी कि एक्स के गुणांक में 2 से गुणा एवं भाग करने पर, एक्स के गुणांक में 2 से गुणा एवं भाग करने पर, तो भाई एक्स का गुणांक क्या है, 8, तो चलिए 8 में क्या कर देते हैं, 2 से गुणा और 2 से भाग भी कर देते हैं। अब ऐसा करने से इस पे कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हमें ऐसा करना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। इसे हल करेंगे तो 2 चौक 8 सभी लोग जानते हैं, और हाँ यही हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आएगी, जो यक्ष वाले गुणांक में 2 से गुणा और भाग करते हैं तो इस 2 को बिल्कुल टच नहीं करते जिससे गुणा करते हैं, भाग वाले से पहले इसको भाग कर देते हैं, और भाग करने के बाद जैसे हमने 2 से भाग किया 4 आया, ये जो 4 आया ना इसी का होल स्क्वायर इसमें जोड़ते भी हैं और उसी को घटाते भी हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आया क्या, 4 × 2 × x ना, तो इसको ऐसे लिख लो भाई, 4 × 2 × x, और फिर ध्यान दीजिएगा नया स्टेप क्या हो रहा है, इसी का होल स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर जोड़ दिया, मान पे कोई फर्क ना पड़े इसलिए इसी 4 का होल स्क्वायर को घटा भी दिया, इक्वल आ गया 9, ठीक है, बात समझ में आई ना। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसी को हल कर लेना है भाई, चलिए सिंपल में इसको हल कर लेते हैं, कैसे होगा ये ध्यान दीजिएगा, एक बात, जो माइनस वाला है उसको पहले उस साइड भेज देंगे जो हमने घटाया है, तो x स्क्वायर ये 4 × 2 × x प्लस ये 4 का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 9, ये माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इधर जाके प्लस 4 का होल स्क्वायर, सारी बात क्लियर है। अब आप ध्यान दें तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक सूत्र होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a की जगह पर x, b की जगह पर क्या है 4 ना, है ना। तो अब आप समझ गए होंगे, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, इसके बाद में इधर हल कर सकते हैं, इधर गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। तो ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा एक फार्मूला, और इक्वल ये 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर 16, तो 16 × 9 = 25, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, इतना करने के बाद दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे, यानी कि इन सब का क्या करेंगे हम लोग, वर्गमूल निकाल देंगे। एक बार फिर से लिख देते हैं, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट और इक्वल 25 का अंडर रूट। जब आप x प्लस 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो हम आपको सार तरीका बता देते हैं, अगर कहीं हम लोग अंडर रूट 3 का ये होल स्क्वायर रहता है ऐसे ही, या फिर कहीं ऐसे हो मान लेते हैं 3 का होल स्क्वायर इसका वर्ग लगा हो तो इसका उत्तर 3 आता है ना। अगर कहीं इस तरह से है x का होल स्क्वायर अंडर रूट में है, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आता है, x आता है। कैसे आता है, अगर कभी भी स्क्वायर में कोई गिनती है तो उसका वर्गमूल करने पर वो गिनती एक बार में आ जाती है, बस मतलब एक बार लिख देते हैं।
तो ये पूरा x प्लस 4 जो है वन टाइम हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, इसका वर्गमूल करेंगे तो प्लस माइनस 5 आएगा। ठीक है, इतना समझ में आया ना? तो चलिए इसको मिटा करके ऊपर लिख देते हैं। इसको आप लोग अगर नहीं लिखे हैं तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके लिख ले, फिर से समझ ले अच्छे से, दिमाग में बसा ले। ठीक है, और अब चलिए इसको हल कर देते हैं। तो ये अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर धन और ऋण चिन्ह दोनों आ रहा, ध्यान दीजिएगा इसको, एक बार धन चिन्ह लेकर के एक बार ऋण। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेंगे तो क्या करेंगे, एक्स प्लस फोर इक्वल धन पांच, एक बार धन पांच करेंगे एक बार ऋण पांच, तो एक्स इक्वल पांच माइनस चार, एक्स का मान आ गया एक, यहां से समझ में आया ना? अब क्या करेंगे इसी में, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, यहां लिख देंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे तो ये x प्लस फोर इक्वल क्या आ जाएगा, ऋण पांच मतलब माइनस पांच, तो x इक्वल माइनस पांच माइनस चार, x इक्वल क्या आ गया माइनस नौ, क्यों, क्योंकि माइनस पांच में जब माइनस चार को जोड़ा तो नौ हो गया। x के दो मान आए, कौन कौन, एक तो वन और एक माइनस नौ। अब ये दोनों मान सही है कि नहीं सही है, इसकी हम आप लोगों को कंपेरिजन करके तुलना करके दिखा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए बस इतना ही आपको करना था, अब तो हम आपको उत्तर की जांच करके दिखा रहे हैं कि ये उत्तर सही भी है या फिर गलत है, ध्यान दीजिएगा। कैसे करेंगे इसको, जैसे अगर हमें x का दो मान आया ना, x का मान एक रखने पर ये समीकरण जो है दोनों तरफ बराबर हो जाए, इसका मतलब तब एक सही है, अगर नहीं होता है इसका मतलब गलत है। तो रख लो भाई, ये हो जाएगा दो प्लस सोलह, एक्स की जगह पे वन रखना है, और ये माइनस अठारह इक्वल जीरो, ये हो गया अठारह माइनस अठारह इक्वल जीरो, जीरो बराबर जीरो, दोनों पक्ष आ गया बराबर, इसलिए ये मान एक सही है। इस तरह से आप नौ रख लेंगे तो नौ रखने पर भी दोनों तरफ बराबर आएगा, अतः ये मान सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए, अगर नहीं समझे तो इस क्लास को फिर से देख लें, इसका अगला भाग आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना सकते दोस्तों, क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं हो रही आपकी, तो माफ करिएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, इसका अगला भाग इस प्रकार के और क्वेश्चन देख लें अगर आपको नहीं समझ में आया तो। ठीक है, जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, और अनअकैडमी पर फॉलो करें जिससे कि आप पर्यावरण और बाल विकास मनोविज्ञान हिंदी अंग्रेजी सभी क्लास कर पाएं। तो डिस्क्रिप्शन से जाएं, जल्दी से अगली क्लास देखें, क्योंकि ये क्लास बहुत छोटी थी, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जुड़ जाएं अगली क्लास में। नहीं समझ में आने पर व्हाट्सएप नंबर 9793488448 पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।